फ्रेंड्स, आई एम विभू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विभूस एनालिसिस। फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट सर्व शिक्षा अभियान और एसएससी एजुकेशन फॉर ऑल। तो इसका मेन जो टॉपिक था वो क्या था, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, जो पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। तो सर्व शिक्षा अभियान कैसे बना, ये सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है। ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने का एक पदक्षेप लिया गया। एज मैंडेटेड बाय द 1886 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ द एज ग्रुप 6 to 14 एज ए फंडामेंटल राइट, और वी से दैट राइट टू एजुकेशन। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 86 अमेंडमेंट के द्वारा एलिमेंट्री एजुकेशन को फ्री एंड कंपल्सरी किया गया, किस एज ग्रुप के बच्चे के लिए, 6 से 14 साल के बच्चे के लिए। इट इज़ ए ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 6th फंडामेंटल राइट है उसमें एक एजुकेशन को भी फंडामेंटल राइट के तौर पे माना जाता है, जो कि आर्टिकल 21 का सेक्शन ए में दिया गया है। एंड दिस प्रोग्राम वाज पियोनर्ड बाय द इंडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी जब थे, उनके प्रचेष्टा से ये प्रोग्राम आगे गया था, जो कि लॉन्च हुआ था 2001 में। एंड इट इम्प्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विथ गवर्नमेंट एंड कवर्ड टू स्टेट गवर्नमेंट सॉरी। तो ये जो एसएस प्रोग्राम किसके पार्टनरशिप से संपूर्ण हो रहा था, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाथ होता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी हाथ होता है, दो लोग मिलकर ही एक एसएससी प्रोग्राम को चालू रखे हैं। तो ये क्या करने के लिए हुआ था, अक्रॉस द नीड ऑफ द 192 मिलियन चिल्ड्रेंस, 101.1 मिलियन हैबिटेशन, और अंचल का जो चिल्ड्रंस थे 192 मिलियन, उनका जो नीड्स था, ज़रूरत था, आवश्यक था, उसे कैसे उनको प्रोवाइड किया जाए, इसका ये उद्देश्य था। और द प्रोग्राम सीक्स टू ओपन न्यू स्कूल इन दोज हैबिटेशन व्हिच डू नॉट स्कूलिंग फैसिलिटी थ्रू प्रोविजन ऑफ एडिशनल क्लासरूम टॉयलेट। और ये क्या है, जो जगह पर स्कूलिंग फैसिलिटी नहीं था और जो स्कूल्स में क्लासरूम्स वगैरह कमी पड़ रहा था, टॉयलेट नहीं था, ड्रिंकिंग वाटर का अभाव देखा जा रहा था, और मेंटेनेंस ग्रांट जो होता है वो, एंड स्कूल इम्प्रूवमेंट ग्रांट्स बनाया गया, जिसके थ्रू स्कूल का सार्वजनिक विकास हो सके। देन एग्जिस्टिंग स्कूल विथ इनएडिक्वेट टीचर, जो भी स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स का अभाव देखा जाता है, लैक ऑफ टीचर्स। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ की स्टूडेंट्स, कहाँ पर स्टूडेंट्स कम हैं तो कहाँ पर टीचर्स कम हैं, तो वो सब अंचल पर, वो सब स्कूल्स पर टीचर्स प्रोवाइड किया गया। इट सीक्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एलिमेंटरी एजुकेशन इंक्लूडिंग स्किल्स। तो इसमें स्किल्स क्या है, जैसा हमारा जो हो गया कंप्यूटर एजुकेशन एक स्किल्स है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कहीं पर जॉब नहीं कर सके तो कंप्यूटर का जो स्किल्स सीखे हैं उसमें से हम कुछ कम करके, कोई वर्क करके हमारा लाइफ चला सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया, क्वालिटी एलिमेंटरी एजुकेशन इंक्लूडिंग ऑफ स्किल्स एंड इज स्पेशल फोकस टू गर्ल्स एजुकेशन। और जो गर्ल्स होते थे वो जो शिक्षा ग्रहण करने से वंचित थे,
और जो चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड जिसको बोलते हैं PWD पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, जो भी स्टूडेंट्स दिव्यांग थे उनको भी शिक्षा देने के लिए व्यवस्था किया गया। एंड इट सीक टू प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन ऑल्सो, और इसमें क्या होता है जो हमारा स्कूल्स में दिया जाता है कंप्यूटर एजुकेशन, उसके थ्रू हम एक स्किल सीखते हैं जो कि हमारा लाइफ में काम में आता है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना जिसके थ्रू हम इनकरेज होंगे और आगे और भी वीडियो ला के आएंगे। अगर इस वीडियो आपको हेल्पफुल हो तभी ही सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना, वरना ना करे भी तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो आपके ओपिनियन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।